बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंडरफुल क्लब के हर दर्जी साथियों खुश आमदीद। आज के वेट लॉस योगा सीरीज में हमारा नाइन्थ डे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 दिन मुकम्मल कर चुके हैं, नाइन्थ डे है। और इसमें एक दिन और करने के बाद हमारे पोस्चर और चेंज हो जाएंगे, तो इसमें मैंने स्पैन रखे हर 5 डेज के बाद हम अपने पोस्चर को चेंज करें। सो वेल, आई होप कि आप सीरीज को इंजॉय करें होंगे। इसमें चंद पोजेज हैं जो मैं करवा रहा हूँ, जिनकी रेपिटेशन है, जिनके आप 3-3 सेट करके अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं और अपने मुख्त मदाफ के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, जो हम रेपिटेशन में करना चाहें या टफ पोजेज में जाना चाहें। अगर जिसमें एनर्जी नहीं होगी तो आप इस उन पोजेज को नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि आपकी खुराक अच्छी हो, आपके स्लीप टाइम अच्छा हो और आप अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दे रहे हो, तभी बॉडी जो है वो आगे बढ़ती है। अदरवाइज आपका बॉडी स्ट्रेस हो जाएगी। और याद रखिएगा, जो स्ट्रेस बॉडी होती है वो कभी वेट लॉस नहीं करती। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपने जो इन्फ्लेमेशन है ब्लड में उनको मैनेज करें। उसका तरीका बेस्ट यही है कि आप आपके हेल्दी खुराक लें और साथ जो सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे जिससे कुरकुमिन का सप्लीमेंट है, जिसे ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है, जिसे लिवर डिटॉक्स का सप्लीमेंट है, और ये सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी बॉडी में से अपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर पाएँ। तो तब आपकी बॉडी जो है वो वेट लॉस में बड़ी हेल्प करेगी। अक्सर ये होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हमने बड़ा खुराक को भी किया है, वैक्सीन की है, लेकिन वजन नहीं कम हो रहा। उसकी वजह ये होती है कि बॉडी स्ट्रेस्ड होती है। स्ट्रेस्ड बॉडी जो है वो वेट लॉस नहीं करती, बल्कि वेट आगे मज़ीद बढ़ता है। सो वेल, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइएगा अंजलि मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांस इनहेल कीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो है वो माउंटेन क्लाइबर हाउस, बड़ा पोजीशन। प्लीज अपनी बॉडी लेवल पर, दोनों बाजू 90 डिग्री पे, हाथ का पंजा पूरा खोल के सांस इनहेल कीजिएगा। एक्सहेल करते हुए बेली बटन को सक रहे हैं, सक योर बेली, अपनी चिन को टच करें जस्ट के साथ और बेली वाले पोजीशन पर देखिएगा। इनहेल, चेस्ट को एक्सपेंड करें ऊपर की तरफ, प्लीज नेक ऊपर उठाएं प्लीज, और देखिए लोअर बैक आपकी टक करेगी, आपकी कर्व लेगी, आपको आपको स्ट्रेच आएगा लोअर बैक के ऊपर। इनहेल, सक योर बेली, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स।
माउंटेन क्लाइंब पोज प्लीज, बॉडी प्लेन प्लैंक, धीरे धीरे अपने घुटने को टच करें, बक्सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. दोनों शोल्डर के ऊपर प्लीज इनहेल ग्रिप कीजिएगा, शोल्डर मूवमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reverse please. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. लंबा गहरा सांस. इसी का एक सेट और प्लीज. अब हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे प्लीज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. देखिए अपनी हार्ट बीट. आइए चाइल्ड पोज. इनहेल करते हुए राइट भी जाइएगा प्लीज. एक्सहेल लेफ्ट. देखिए स्ट्रेच के सारे शोल्डर में. इनहेल सेंटर. एक्सहेल राइट. इनहेल सेंटर. पहले से स्ट्रेच को चेंज एंड रिलैक्स. हमारे दो पोज प्लीज, डाउनवर्ड फेसिंग एंड अपवर्ड फेसिंग. डाउनवर्ड फेसिंग स्ट्रेच के लिए अपनी बॉडी को यहां पर स्ट्रेच कीजिए प्लीज. स्ट्रेच कीजिएगा वॉकिंग पोज. एक घुटना बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, दोबारा स्ट्रेच कीजिए. इनहेल प्लेन प्लैंक. एक्सहेल करते घुटने टच करें और चतुरंगा दंडासन. इनहेल अपवर्ड फेसिंग और इसे स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को. इनहेल प्लेन प्लैंक. एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग. स्ट्रेच करें. देखिए पहले से चेंज. राइट लेग थक ऊपर पॉइंट कीजिएगा प्लीज.
टच करे देखे अपनी बॉडी में चेंज, पांव वापस लेके जमीन के साथ, फिर लेफ्ट पांव उठाकर ऊपर पॉइंट कीजिएगा, हिप को स्क्वेयर रखिएगा प्लीज, हिप को स्क्वेयर, वापस लेके डाउनवर्ड फेसिंग प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए घुटने टच करें चतुरंगा दंडासन, अपवर्ड फेसिंग घुटने टच कर सकते हैं, घुटने उठा भी कर सकते हैं, जो आपको लिए कंफर्टेबल हो प्लीज। इनहेल करते हुए प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग, दो साइकिल हमारे मुकम्मल हुए, हम छह साइकिल करेंगे इसके प्लीज, दोनों घुटने एक साथ बेंड करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वापस प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए टच किए चित्रंगा दंडासन, अपवर्ड फेसिंग, इनहेल करते प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग, तीन सेट हमारे मुकम्मल हुए, अब राइट लेग था ऊपर पॉइंट करेंगे प्लीज, और राइट घुटना राइट एल्बो को टच करेगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टच करें संदास, पांव वापस डाउनवर्ड फेसिंग, इनहेल करते प्लेन प्लैंक, घुटने टच करके चित्रंगा दंडासन, अपवर्ड फेसिंग, इनहेल करते प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग, चार सेट हमारे मुकम्मल हुए, लेफ्ट लेग उठा के ऊपर पॉइंट करें, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने को टच करेंगे प्लीज, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पांव वापस जमीन के साथ, डाउनवर्ड फेसिंग प्लेन प्लैंक, चित्रंगा दंडासन, अपवर्ड फेसिंग, पांच सेट हमारे मुकम्मल हुआ प्लीज, लास्ट साइकिल, स्ट्रेच करें प्लीज, स्ट्रेच करें राइट हाथ से राइट पांव को कैच करें प्लीज, चेंज करके लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पांव को कैच करें, स्ट्रेच करेंगे संदास से, इनहेल करते प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते चित्रंगा दंडासन, और तीन से पांच ब्रेथ, अपवर्ड फेसिंग, और एक्सहेल करते डाउनवर्ड फेसिंग, चाइल्ड पोज प्लीज, मैक्सिमम घुटने ओपन कर दीजिए, और चेन और चेस्ट जमीन के साथ नहीं होता तो बर्फ से नहीं करनी प्लीज, दोनों एल्बोस घुटनों के अंदर और घुटन प्लीज ओपन करेंगे,
करते हैं प्लीज, ऊपर उठाएंगे वज्रासन। देखिए हार्ट बीट, ये दोनों पोज बहुत अच्छे पोज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, वेट को कम करने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्लीज, कैट कॉल करके देखिए क्या डिफरेंस आया प्लीज। देखिए पहले से बहुत चेंज, बिल्कुल स्टील लेट जाएंगे प्लीज। दोनों बाजू स्टील सांस लेट करेंगे बेली में, आप तीन से पांच ब्रेथ स्टील हैं, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ पिछले लेंगे उपयोग समय, हाथ डाल के स्ट्रेच करेंगे एंड अप, 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स। दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए कोबरा पोज, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, हाथों पर वजन जीरो रखते हुए प्लीज लिफ्ट करेंगे चेस्ट को, दोनों हाथ पर वेट जीरो, दोनों एल्बो बॉडी के साथ और तीन से पांच ब्रेथ, 1 2 3 4 5। अब हाथों पर वजन देते हुए बॉडी को और लिफ्ट करेंगे, शोल्डर डाउन और बेली तक अपनी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए, शोल्डर डाउन प्लीज एल्बो बॉडी के साथ, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों हाथ अपने फेस के पैरेलल प्लीज, पेशानी के पैरेलल, एल्बो जमीन के साथ चेस्ट रेज करेंगे कोबरा की तीसरी वेरिएशन, 1 धीरे धीरे एल्बो लिफ्ट कीजिए, शोल्डर डाउन रहेंगे प्लीज, शोल्डर डाउन रहेंगे, इतना उठाएंगे बाजू स्ट्रेच है नहीं तो ऐसे शोल्डर को ऊपर नहीं लिफ्ट करना प्लीज, शोल्डर डाउन और चेस्ट रेज करते जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी नेक टर्न कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज बाकी पोजों में नेक टर्न नहीं करना, क्योंकि जो भी नेक टर्न करेंगे बैली के फ्रंट पोर्शन में स्ट्रेच और बढ़ेगा आपका, कोर मसल्स में आपको स्ट्रेंथ आएगी। रिलैक्स 5 ब्रेथ के बाद अब हम आएंगे फायर लॉक पोज और ध्रुवासन। अभी हमने इनकी वेरिएशन नहीं की, सिर्फ ये सिंपल हम कर रहे हैं, दोनों घुटने बंद करके एल्बो इंडिया अपने हिप्स के साथ और सांस इनहेल करें, एक्सहेल आप उठाएंगे जमीन से ऊपर और चेस्ट भी लिफ्ट करेंगे, देखें अपने फ्रंट मसल में स्ट्रेच कर, 3 4 and 5 रिलैक्स। दोबारा से सांस इनहेल करें, वो पोज ध्रुव आसन जाएंगे, घुटने लिफ्ट कर देंगे जमीन से, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। देखिए बॉडी में क्या फीलिंग आई है प्लीज, उनको रिलैक्स करने के लिए फेस कैच करेंगे प्लीज और यदि को टच करके देखेंगे, दोनों घुटने जोड़ के एक साथ, 1 2 3 4 and 5। दोबारा से माइनर प्लीज, सबसे पहले लो पास पोज में आएंगे, इनहेल अप 3 से 5 ब्रेथ, 1 2 3
फोर फाइव, दोनों बाजू पिछले इतनी हाथों में हाथ डाल के स्ट्रेच करेंगे एक साथ, वन टू थ्री फोर फाइव एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के नीचे प्लीज, चेस्ट के साथ दोनों एल्बो बॉडी के साथ, कोबरा पोज की वेरिएशन। इनहेल करते चेस्ट रेज करके हाथों पर वजन जीरो रखिएगा, एल्बो शोल्डर रिलैक्स करके बिल्कुल डिले, वन टू थ्री फोर फाइव, और रेज करते हैं अपनी बैली तक अपनी बॉडी को, शोल्डर डाउन, वन टू थ्री, हाथ पर पूरा वजन, फोर फाइव। यहीं से राइट हाथ आगे ले जाए, फिर लेफ्ट हाथ आगे ले जाए प्लीज, और बैली को से रेज करते हैं, नेक को भी रेज करते हैं प्लीज बैक पे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, रिलैक्स। अब ये वो आसन, दोनों आसन और फायर लॉक पोज, दोनों एड़िया हिप के साथ सांस इनहेल करेंगे, एक्सहेल अप, घुटने उठाएंगे ऊपर से जमीन से ऊपर, और चेस्ट रेज होगी एड़िया हिप के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। दोबारा से सांस इनहेल करेंगे, एक्सहेल अप, वो आसना प्लीज, दोनों आसना, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। दो सेट मुकम्मल हुए मेरे प्लीज, तीसरे सब सारे पोज़ में एक साथ करेंगे प्लीज, ये है फ्लो में आएंगे प्लीज। सबसे पहले प्लीज अपने एल्बो दोनों शोल्डर्स के नीचे, बाजू स्ट्रेट, चेस्ट रेज किया, धीरे धीरे अपने एल्बो भी उठाएंगे ऊपर, शोल्डर डाउन रहेंगे, शोल्डर कैसे नहीं करना, शोल्डर डाउन, चेस्ट फुल ऊपर रेज कर देंगे, नेक भी रेज कर देंगे, वन टू थ्री फोर, हाथ अपने शोल्डर के नीचे प्लीज, एल्बो बॉडी के साथ, हाथों पर पूरा वजन, बैली तक, बैली तक बॉडी को उठाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, टच करेंगे प्लीज, हाथ पर वजन जीरो करेंगे एल्बो बॉडी के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव, बॉडी लिफ्ट कर देंगे प्लीज, दोनों बाजू फ्रंट पे, वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों बाजू पीछे लाके स्ट्रेच करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांव कैच कर देंगे प्लीज, घुटने लिफ्ट करेंगे फाइव लॉक पोज, वन टू थ्री फोर फाइव, पुश कर देंगे बो पोज, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। देखिए बॉडी में फोर्स कैसे अप्लाई है, अब तो स्टार्टिंग देंगे अपनी प्लीज, मकर आसन में चले जाएंगे प्लीज, राइट बंद करके, राइट शोल्डर, लेफ्ट बाजू पीछे, लेफ्ट कान जमीन के साथ, बिल्कुल रिलैक्स कर दें बॉडी को, साइड चेंज करेंगे पांच ब्रेथ के बाद, राइट साइड में करवट, कमर पर सीधा करेंगे प्लीज, ब्रिज पोज, अपने हाथ डाल के स्ट्रेच, वन टू थ्री फोर
फाइव रिलैक्स, दोनों घुटने कैच करके हल्का हल्का वाइब्रेट करें, कमर की मसाज पे से करें, दोबारा से ब्रिज पोज। अप, अपने हाथ डाल के स्ट्रेच, वन टू थ्री फोर एंड फाइव रिलैक्स, दोनों घुटने पकड़ के हल्का हल्का वाइब्रेट करें, देखिए एल्बो टच कर रही है जमीन की लेफ्ट एंड राइट, देखिए अपनी कमर की मसाज, नेक्स्ट प्लीज दोबारा से सांस इनहेल करें, एक्सहेल अप, पहले से मैक्सिमम लिफ्ट करें अपने आप को, एरिया भी रेस कर सकते हैं चाहे तो अदरवाइज जमीन के साथ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, मैक्सिमम रेस करें, शोल्डर मूव करके बॉडी को मैक्सिमम ऊपर लिफ्ट करते हैं, दोनों हाथों में हाथ करके स्ट्रेच करें, वन टू थ्री फोर एंड फाइव रिलैक्स, दोनों घुटने कैच करके वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट, देखिए मसाज कमर की, दोनों घुटने जोड़ के प्लीज हल्का हल्का वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो हम अक्सर वेट लॉस में करते हैं, दोनों पाँव से क्रॉस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ऊपर नीचे उठाते हैं बॉडी को, लेकिन ये प्लीज जो कर सके वही करना है, तो इसको अवॉइड करना है आपने, इससे हल्की सी चल देते हैं, ये वन टू थ्री, इतने दिन तक बाकी खुद ही मूव हुई थी, प्लीज फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन रिलैक्स, ये कर सकते हैं आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स, दो सेट कर सकते हैं, एक सेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज वो जो कर सके, जो नहीं कर सके उनके लिए जिनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो आसानी से कर सकेंगे, जिनके जिसम फ्लेक्सिबल नहीं है वो इससे अवॉइड करेंगे प्लीज, और ये जितने भी हम पोजेस बता चुके हैं पहले भी स्पाइन पेशेंट्स के लिए, ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, जो भी हमने किया है, लेकिन जो पहले हमने पोजेस किए हैं वो सारे स्पाइन पेशेंट्स कर सकते हैं, वो पोज है फायरलॉक पोज है, लोकास पोज है, और कुबरा की वेरिएशन डाउनवर्ड फेसिंग अपवर्ड फेसिंग, ये सारे स्पाइन पेशेंट कर सकते हैं, लेकिन माउंट भी क्लाइंबर हम उनके लिए मना करते हैं प्लीज। सो दोबारा से तो आप देखें ब्रिज पोज में, देखिए पहले से चेंज क्या आया, और यहाँ पे एक पोज है फुल व्हील पोज, वो बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, लेकिन वो उसके लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो जो कर सकते हैं उसमें दोनों हाथ अपने सर के पास रखते हैं, सर के सिखाते हैं ऊपर, हाथों पर यहाँ पर पाँव पर वजन हाथों पर बदल लेते हैं, बॉडी को पूरा ऊपर लिफ्ट करते हैं, फिर एडियम रेज करते हैं, अगर ताकत हो तो हाथ ऐसे मूव करने हैं, अदरवाइज नहीं करने प्लीज। पांच ब्रेथ, वन तो देखिए बेली से ब्रेथ आ रहा है, थ्री फोर फाइव, वापस उस पर आते हुए प्लीज, ये काफी ताकत वाला पोज है फुल व्हील पोज, इसे वो घोष भी कहते हैं, और देखिए अपने अपने कमर की मसाज, देखिए पहले से कितना चेंज आ चुका है, लेग बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, शवासन में चले जाएंगे प्लीज, आज हमने वो रोटेट वाला नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, हमने कुछ और दो चीजें ऐड कर ली उसकी जगह पे, तीन लंबे गहरे सांस, सब
सिबिल अपने चेहरे को मुस्कुराहट लेके आइए, नॉर्मल रिलैक्स की अपने आईब्रोज को, निशानी को, राइट शोल्डर राइट बाजू बिल्कुल ढीला छोड़ देगा, हाथ लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट बाजू लेफ्ट हाथ ढीला छोड़ देते मिलकर साथ, चेस्ट बेली हिप्स राइट थाई राइट घुटना राइट पाँव ढीला छोड़ दें, लेफ्ट थाई लेफ्ट घुटना लेफ्ट पाँव ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़। हमने अपने लिए वक्त निकाला वर्जिश की, इसके बदले हमारा दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा और अल्लाह के वजह हमारा एक्स्ट्रा वेट कम होगा। सिर्फ अपनी ब्रेथ पर को जो रखिएगा, बेली चेस्ट और नोज तीनों जगह सांस की मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए हर ब्रेथ पे तवज्जो देने से हर लम्हे में आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जा रही है, ज़मीन ने इस जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया, हमें अपने जिस्म का वजन बिल्कुल ज़ीरो महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स महसूस हो रही है, अपने जिस्म का वजन बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, पूरा ढीला छोड़ दें, अपनी ज़मीन पर वजन डाल दें, रिलैक्स। मेरी इस आवाज़ के साथ एक बॉडी में फीलिंग करी जनरेट होगी, लहर आएगी, उसको महसूस कीजिएगा, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए पूरा वजूद बिल्कुल ढीला डाला महसूस हो रहा है, सांस पर फोकस, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज राइट साइड पे करवट लीजिए, राइट बाजू सर के नीचे घुटने बंद करके जोड़ दें, अपने आप को शाबाश दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, वेलडन कहिएगा प्लीज, अपने रब का शुक्र अदा कीजिएगा, अल्लाह से तमाम मौतों का शुक्र अदा कीजिएगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिएगा, अल्लाह से अपने रिस्क में इजाफे की दुआ कीजिएगा, पेरेंट्स को याद कीजिएगा, बीमार दोस्तों रजीजों को याद कीजिएगा, अपने बीवी और बच्चों को याद कीजिएगा, दुआ करें अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें इनके लिए आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। वंडरफुल क्लब के कानून दायम करने की दुआ कीजिए प्लीज़, अपनी जिम्मेदारी को याद कीजिएगा, दो फैमिली को दावत देकर इस मिशन में शामिल करना है और इस मैसेज को हर घर तक हर औरत मर्द और बच्चे तक पहुँचाना है, प्लीज़ आप सबकी जिम्मेदारी है, अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेलडन कीजिए, प्रोफेसर वासिक साहब को याद कीजिएगा, उनका लगाया पौधा वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे और उनकी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे। हमारे गुरु शफी राजपूत और मैम तरन्नम शफी साहब के भाई बड़े भाई इंतजार कर चुके हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मदद करें अल्लाह ताला और भी कुछ सब्र अदा करें उनकी फैमिली के मेम्बर्स को, और दुआ करें हमारे गुरु की सेहत अच्छी रहे, इसी तरह हमें योगा सिखाते रहें, अल्लाह ताला इनको लंबी और सेहतमंद उम्र अता करे। देखिए पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स, स्लोली सांस निकल कीजिए, लेफ्ट हैंड जमीन पर लगा के इस पर वजन डाल दें, उसकी बैठिएगा प्लीज, कमर सीधी गर्दन सीधी, दोनों हाथों को रब कीजिए, अल्लाहु मुरस्समावाती वल अर्ज़, फेस के ऊपर हीट को महसूस कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली पैर खुलेंगे। सो वेल दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो इन पोजेस का लास्ट डे होगा और उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे। प्लीज़ ये जो किसी को एडवाइस भी करें, आप ये सीरीज हो सके डे वन से स्टार्ट करें, तब वो आसानी से साथ हमारे साथ चल पाएगा और इसको सीख पाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।